नमस्कार दोस्तों, JSBB स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज अपन लाइब्रेरियन गोल्डन टेस्ट सीरीज का नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। ये गोल्डन टेस्ट सीरीज राजस्थान पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इनके लिए इम्पोर्टेंट साबित होएगी और नेक्स्ट एग्जाम पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड के लिए मील का पत्थर साबित होएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र शासन पुस्तकालय प्राधिकरण और पाठक के कर्तव्य से संबंधित है? तो वह है दोस्तों तीसरा सूत्र, तीसरा सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए राष्ट्रीय प्रणाली पर UGC समिति का अध्यक्ष कौन था? तो वह था दोस्तों यशपाल। अगला क्वेश्चन है, भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालय का नेटवर्क जाना जाता है इन्फ्लिपनेट के नाम से। किसके नाम से? इन्फ्लिपनेट के नाम से। अभी जो RPSC सेकंड ग्रेड का एग्जाम लगा उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालय का नेटवर्क जाना जाता है इन्फ्लिपनेट के नाम से। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1856 में लागू बौद्धिक संपदा अधिकार किस एक्ट पर आधारित था? तो वह था दोस्तों ब्रिटिश पेटेंट लॉ 1852 पर। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति सूचना विनिमय प्रणाली का कार्यक्रम का किसके द्वारा परिवर्तन किया गया? तो वह किया गया दोस्तों यूनेस्को के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, NDL संबंधित है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी किससे संबंधित है? IIT खड़गपुर से। दोस्तों इसकी शुरुआत 2016 से हुई थी। कब से हुई थी? 2016 से, IIT खड़गपुर से, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की। दोस्तों हमारे चैनल JSBB स्मार्ट स्टडी के ऊपर राजस्थान जी के कंप्यूटर साइंस और लाइब्रेरी साइंस की स्मार्ट स्टडी कराई जाती है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुँचे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इफ्ला की 2019 वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस किस शहर में होगी या आयोजित हुई? एथेंस में। किस में? एथेंस में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय का वर्तमान जनरल डायरेक्टर कौन है? AD चौधरी। अगला क्वेश्चन है, इन्फ्लिपनेट का प्रथम प्लानर कहाँ आयोजित किया गया था? शिलोंग में। एक नंबर इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला के पुस्तकालय को नष्ट किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, औरंगजेब ने, बाबर ने या बख्तियार खिलजी ने? तो किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला के पुस्तकालय को नष्ट किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा निर्मित मोबाइल लाइब्रेरी एक्ट को ऑल एशियन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में कब प्रस्तुत किया गया? 1930 में। अगला क्वेश्चन है, निस्केयर कब अस्तित्व में आया? तो वह आया दोस्तों 30 सितंबर 2002 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार सूचना साक्षरता का शब्द का प्रयोग किसने किया था? जुरोकवास्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रन सम्मेलन 1886 किससे संबंधित है? तो वह है दोस्तों पेटेंट या एक्स्व से। और 1883 का जो सम्मेलन हुआ था वह था औद्योगिक से। किससे? औद्योगिक से। और 1886 में हुआ वो पेटेंट या एक्स्व से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुस्तकालय के समृद्धि हेतु पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित नियम है वह है कौन सा है? पांचवा नियम पुस्तकालय की समृद्धि या विकास से संबंधित है दोस्तों, उसकी व्याख्या करता है पांचवा सूत्र। अगला क्वेश्चन है, 1971 में दामोदरन समिति की नियुक्ति किस कार्य की समीक्षा के हेतु की गई थी? तो वह की गई थी दोस्तों चिकित्सा कॉलेज पुस्तकालयों के लिए। किसके लिए? चिकित्सा कॉलेज पुस्तकालयों के लिए।
दामोदरन समिति की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था? वह था दोस्तों तमिलनाडु, इसको मद्रास भी कहते हैं दोस्तों। कब हुआ था? 1948 में, फर्स्ट तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अपन, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में शिक्षकों को सम्मानित करने वाली भारतीय संघ है वह एटलस, AITLIS, एटलस। इसकी स्थापना अगर पूछे तो दोस्तों कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1969 में। कहाँ पे? पंजाब में। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, भारत सरकार का कौन सा विभाग सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय, प्राथमिक शिक्षा विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। तो वह कौन सा है? सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत सरकार का सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित है विभाग वह है सांस्कृतिक मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गतिशील वर्गीकरण के सिद्धांत को किसने विकसित किया था? डॉक्टर SR रंगनाथन और उनके सहयोगियों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंट्रापेसेट फेज रिलेशन का प्रयोग किससे संबंधित को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो वह किया जाता है दोस्तों एक ही पक्ष के दो एकलों का संबंध प्रदर्शित करने के लिए इंट्रापेस फेज रिलेशन का प्रयोग किया जाता है, एक ही पक्ष के दो एकलों का संबंध। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्पेस में कितने सवर होते हैं? तो स्पेस में होते हैं 4 सवर। दोस्तों ये सिलेबस के अनुसार टेस्ट सीरीज है आपकी, मैं आशा करूंगा एग्जाम के लिए आपके ये मील का पत्थर साबित होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, CCC कॉलन क्लासिफिकेशन 1963 रिवाइज एडिशन में संशोधन कब हुआ था? दोस्तों 1963 में इसका रिवाइज एडिशन आया था कॉलन क्लासिफिकेशन का, तो उसमें संशोधन कब हुआ? 1964 और 69 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, CC में कॉलन क्लासिफिकेशन में जीवनी को दर्शाने हेतु कौन सा चिन्ह SCI के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है W। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISBN नंबर के विभिन्न 5 भागों में से कौन सा भाग किताब के प्रकाशन को दर्शाता है? तो वह दर्शाता है दोस्तों 3रा नियम। अगला क्वेश्चन, DDC का अपग्रेड एडिशन 13वां कब आया था? तो वह आया था दोस्तों 1997 में। कब आया था? 1997 में। अगर पहला पूछे तो 1895 में, और दूसरा आया था 1915 में, और अगर अंतिम और 15वां एडिशन जो कब आया था? 2012 में। 15वां एडिशन अंतिम था इसका, अपग्रेड एडिशन का 15वां, वह कब आया था? 2012 में, ये ध्यान रखना दोस्तों, ये 15वां था। और यहाँ 13वां कब आया? 1997 में। इसके अपग्रेड एडिशन 15 थे और DDC के फुल एडिशन कितने थे? 23। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, DDC में ऑनलाइन एडिशन वेब DVD कब आया? 2000 में। कब आया था? 2000 में। अगला क्वेश्चन, और इसका ऑनलाइन एडिशन पूछे तो वह आया था 2011 में। 2011 में तो ऑनलाइन आया था, ऑनलाइन एडिशन 2011 में। और DDC में ऑनलाइन एडिशन वेब DVD ये कब आया था? 2000 में। वेब DVD कब आया था? 2000 में। ये 2000 में आया था, और इसका ऑनलाइन एडिशन आया था 2011 में। कब आया था? 2011 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, DDC में पहली बार कंप्यूटर फोटो
कंपोजिशन विधि का प्रयोग कब किया गया? तो वह किया गया दोस्तों 19वें संस्करण में। किस संस्करण में? 19वें संस्करण में। अगला क्वेश्चन है, डीडीसी में एनेक्स 3 टेबल कितनी है? 7 है, 7 सहायक सारणियां दी गई है डीडीसी में। पेज नंबर पूछे, अगर इसकी पेज नंबर की बात करें तो वह है 19 से 28 पेज नंबर पर, 19 से 28 पेज पे इनका उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, संघ सूची किसका विवरण है? तो वह है दोस्तों पुस्तकालय के समूह में उपलब्ध पुस्तक एवं पत्रिकाएं, यहां से लेके पत्रिकाएं तक, ये हो जाएगा राइट। तो इसमें तीसरा क्वेश्चन, तीसरा आंसर राइट हो जाएगा, और चौथा इनमें से कोई नहीं, तो ये नहीं है दोस्तों। ये संघ सूची किसका विवरण प्रस्तुत करती है? पुस्तकालयों के समूह में उपलब्ध पुस्तक एवं पत्रिकाओं की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सूची किसी निश्चित योजना अनुसार व्यवस्थित ग्रंथों की सूची है, ये किसने परिभाषित किया था? दोस्तों ये किसने परिभाषित किया था? सीए कट्टर ने। और असंगठित पाठ्य सामग्री, ये डॉक्टर रंगनाथन से संबंधित है। और व्याख्यात्मक सूची जेडी ब्राउन से संबंधित है। सीए कट्टर ने तो क्या कहा था, सूची किसी निश्चित योजनाओं के अनुसार व्यवस्थित ग्रंथों की सूची है, तो इसके आंसर हो जाएगा सीए कट्टर। तो दोस्तों मैं आशा करूंगा ये गोल्डन टेस्ट सीरीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप हमारे इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय राज।